वे टू साउथ और अब हम यहाँ पे जो है वो रुके हैं ज़रा 5-10 मिनट के लिए। फ्रेश फ्रूट्स यहाँ से लेके कुछ खाएंगे, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट, और इसके बाद आगे फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं भाई, बिल्कुल फ्रेश इनके बाग के फ्रूट्स हैं। ये इनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसी के पीछे इनका बाग है और ये सारी चीज़ें जो है वो। अच्छा, ये क्या बॉटल के अंदर शावर भाई? ये अंगूरों को पानी में डालकर उबाला जाता है और अच्छा, फिर उबाल कर उसका शीरा बनाया जाता है। तो ये अच्छा, आप देखिए, ये इंतहाई थिक किस्म का अंगूर का रस नहीं है, ये अंगूर का शीरा है। सही, ये नाश्ते में खाया जाता है, इसको अच्छा, आप प्लेट में डालते हैं और रोटी के साथ लगा लगा रोटी के साथ खाते हैं। और ये क्या है? ये इसका डिफरेंट टमाटरों का भी होता है और मिर्चों का भी होता है, ये प्रॉब्ली मिर्चे हैं। अच्छा, उसके बराबर में जो ये जी जी, यानी उसका केचप कह लें, उसका वो बनाया जाता है, उसको काट कर उबाला जाता है बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट। सही। अच्छा, ये क्या है बताइए? ये वाटरमेलन के बच्चे हैं? हाँ। और ये क्या? बस ये वो बड़े नहीं हुए ना। अच्छा, छोटे छोटे रह गए तो वो तोड़ के रहते। सही 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 सही। साउथ के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं, रास्ते में रुके, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स हैं। ये ज़मीन है इनकी, इसी गांव के हैं ये, और यहीं पे ये सारे जो फ्रूट्स उगते हैं। और वाटरमेलन खाया हमने, ग्रेप्स खाए, अर्तुल गाजी की ज़मीन के फ्रूट्स हैं। और अब हम उन्हीं की टॉम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये पूरी मार्केट है, जैसे यहाँ पे अर्तुल गाजी के मज़ार से आप निकलते हैं तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है जहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह रिफ्रेशमेंट वगैरह आप ले सकते हैं। और इसी से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है जिसके अंदर यही सारी काई प्रोडक्ट्स जो है वो आप खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सारी चीज़ें। ये सामने सारी शॉप्स हैं और साउंड की भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों का, अर्तुल गाजी का साउंड जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा है। बहुत सारी काई कैप्स, वाले जो एग्स हैं वो बच्चों के पड़े हुए हैं, मॉडर्न एग्स। ये देखें, छोटे बच्चे का हेल्प यूनिफॉर्म। सुमित भाई, चेक इन। ये शॉप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी है जो काई एल्प यूनिफॉर्म है और जो फीमेल के जो इनके ड्रेसेस हुआ करते थे उसके। तो अब जो है वो अच्छी खासी ये ड्रेस पहनने के बाद जो है वो हालत ख़राब हो गई है, अब हम इसको रिमूव करेंगे।